अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और शिक्षक अभ्यर्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि सर 1-5 में जो सीट ऐड किया गया है या अन्य सभी जगह जो सीट ऐड किया है क्या हम करें। जो आवेदन कर चुके हैं वो 1-5 के लिए क्या करेंगे, क्या फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी इसमें मिल जाएगा। दूसरी बात, वैसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी TRE1 वाले हैं और वे वेट कर रहे हैं सेकंड लिस्ट के लिए, उन पर भी चर्चा करेंगे। वैसे अभ्यर्थी जिनके लिए 1-5 में सीट नहीं है वो फॉर्म भरने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप इस बात को समझेंगे और ध्यान पूर्वक देखेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी सीट की संख्या को देखेंगे, यदि आपका तैयारी अच्छा है तो रिविजन करेंगे, ये ना सोचेंगे कि अब 1-5 का एड हो गया तो कहीं से क्लास ले लें, कहीं से कोर्स ले लें, ये सब अब संभव नहीं है। तो आप अपने सेल्फ स्टडी जितना करेंगे, यानी कि जो आपका कमेंट आ रहा था उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं 1-5 के लिए, तो 1-5 में आएंगे देखेंगे अनारक्षित वर्ग, यानी कि जनरल की बात करेंगे तो सामान्य में आते हैं तो 1088 सीट है, उर्दू के लिए आते हैं तो 426 सीट है, बांग्ला के लिए आते हैं तो 05 सीट है, यानी कुल सीट की बात करेंगे तो 1519 सीट है मात्र। कितना? 1519 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य में भी जीरो है, उर्दू में भी जीरो है, बांग्ला में भी जीरो है और कुल में भी जीरो है। उसके बाद आते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सभी जगह जीरो है, केवल और केवल आपको मिलेगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बांग्ला, आपका उर्दू में 12 सीट है। तो यदि अत्यंत पिछड़े वर्ग से आप आते हैं और उर्दू अभ्यर्थी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, आप 12 सीट पर फाइट करेंगे, इस बात को समझ लेंगे। यदि पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो आपको उर्दू में 192 सीट है और बांग्ला में 9 सीट है, यानी कि 201 सीट आपके लिए है। यदि अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो यहाँ पे 1003 सीट है उर्दू में और बांग्ला में 10 सीट है, यानी कि कुल 1013 सीट आपका है। अनुसूचित जनजाति की जब बात करेंगे, अनुसूचित जाति था अब अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो इसमें आपका केवल और केवल उर्दू में 58 सीट है। पिछड़े वर्ग की महिला RF जिसको बोलते हैं उसमें बात करेंगे तो आपका उर्दू में 381 है, बांग्ला में 5 सीट है, यानी कुल 386 सीट है। अनारक्षित महिला की बात करेंगे तो आपके लिए 0 सीट है, कोई सीट ही नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला की बात करेंगे तो आपके लिए भी 0 सीट है। अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला की बात करेंगे तो उर्दू में है और बांग्ला में है, कुल 1012 सीट है। पिछड़े वर्ग महिला की बात करेंगे तो आपका उर्दू में है 769 और 12 सीट है, 781। अगर आपसे बात करें अनुसूचित जाति में तो उसमें सामान्य में यानी कि 3142 और 1025 और 13, यानी कि आपके सभी सब्जेक्ट के लिए इसमें सीट है, यानी कि 4180 सीट सामान्य के अनुसूचित जाति महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 269 सीट है, यानी कि अब सब पद जब सब कुछ ऐड करिएगा तो यहाँ पे कुल सीट आपका 9431 आपको मिलेगा। यहाँ पे कुल सीट की बात करेंगे और ये दिव्यांग के लिए देख सकते हैं, दिव्यांग में यदि दृष्टि बाधिक है तो उनके लिए 2 सीट, 119 सीट और 5 सीट, कुल 126 सीट है। यदि मुख बधिर है यानी DD आप हैं तो 446 सीट आपको मिलेगा, इसमें सभी में मिलेंगे। यानी कि अस्थि दिव्यांग OH से यदि आप आते हैं तो 171-72 यानी कि कुल 243 सीट आपका है। मनोविकार यानी बहु दिव्यांग से आप आते हैं तो आपके लिए 704 सीट है। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता नतनी हैं तो आपके लिए 162 सीट है, यानी कि सामान्य में 66 और उसके बाद 94 आपका बांग्ला में और सॉरी उर्दू में 94 और बांग्ला में 2 सीट है। कुल सीट आप यहां पे देख सकते हैं 1-5 में सीट ऐड हुआ है। यहां पे आइएगा तो 50,263 सीट ऐड हुआ है। ये एक बड़ी अपडेट है, लेकिन बड़ी अपडेट में थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो सीट रिजल्ट आपका जो बीपीएससी TRE1 में 48,000 प्लस जो सीट बताया जा रहा था, जो खाली सीट था उसी को ऐड किया गया है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि क्या मेरा सेकेंड लिस्ट आएगा, तो आपका सेकेंड लिस्ट कैसे आएगा ये अध्यक्ष सर के द्वारा भी बताया गया था कि जब जो सीट खाली रहेगा, फाइनल ज्वाइनिंग हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, जो रिजल्ट दिया गया है उसमें से जो बचेगा उसी पर सेकेंड लिस्ट आएगा, इस बात को आप समझ ले। तो सेकेंड लिस्ट वाले विद्यार्थी अभी भी समझे कि आपका सेकेंड लिस्ट 100% आएगा,
ये नहीं है कि इसमें ऐड हो गया तो आपका सेकंड लिस्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सेकंड लिस्ट पर जो चर्चा हुआ था, जो रिजल्ट दिया गया था, जो अभ्यर्थी तीनों में मिल गए या जो अभ्यर्थी किसी कारण से ज्वाइनिंग नहीं करे या जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जी पाए गए या अन्य विभिन्न प्रकार से जो बचेगा सीट, उस पर सेकंड लिस्ट आएगा, इस बात को समझिएगा। और सेकंड लिस्ट में सबसे ज्यादा यदि किसी को लाभ होगा तो जिनका एक आध अंक जीरो अंक कम है, थोड़ा सा कम है, उनके लिए होगा। ये मत सोचे कि पांच अंक घट जाएगा, चार अंक घट जाएगा और तीन अंक घट जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब रही बात 1 to 5 वाले अभ्यर्थी, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपका सीट 9000 प्लस ऐड किया गया है, जो वहां बाकी था उसको ऐड किया गया। वैसे दिव्यांग जो आवेदन कर दिए हैं वो 1 to 5 के लिए क्या करेंगे, तो उनके लिए अभी कोई वैसा प्रोसेस नहीं है, कोई वैसा नहीं है कुछ। इस पर नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर अपडेट दिया जाएगा। वैसे स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते जो अन्य के लिए पेमेंट कर दिए हैं, भर दिए हैं, वो 1 to 5 में कैसे भरेंगे? या वैसे बीसी कैटेगरी जो अपना आवेदन कर दिए हैं या ईबीसी कैटेगरी या समय, तो इसके लिए फिर से आप थोड़ा सा विचार करेंगे, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। यदि उसी रजिस्ट्रेशन पर करना होगा तो आप जरूर करेंगे, यदि अलग से करना होगा तो आप 1 to 5 के लिए अलग से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे, जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। और एक बात सभी अभ्यर्थी को बता दे, जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि तैयारी कैसे करें, मैं उनको बता दूं, जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना बुक का अध्ययन करेंगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। तो आप प्रयास करें कि सेल्फ स्टडी करें, सेट प्रैक्टिस करें और आप जी जान लगा दें, क्योंकि ये अंतिम मौका है, इस बात को आप समझें। जैसा कि आप भी जानते हैं, लगातार पेपर में दिया जा रहा है कि प्रत्येक साल वैकेंसी दी जाएगी, ये संभव नहीं है एक बार और वैकेंसी दिया जाएगा, आगे भी दिया जा सकता है, ये बात की बात है। लेकिन आप ये 100% प्रयास करें कि इसी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। आप छठ दिवाली थोड़ा सा कम मनाएं, पूजा पाठ कर लें, लेकिन तैयारी में ज्यादा लगे, इस बात को भी समझेंगे। यदि आपको जो भी अभ्यर्थी जैसे थोड़ा सा समस्या ये हो रहा है ऑनलाइन अप्लाई करते समय कि एज रिलैक्सेशन जिनको चाहिए वो 10 साल, 4 साल और अन्य में भी कुछ समस्या अब आ गया है, अन्य सब्जेक्ट जो लिख दिया गया, अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो इस पर भी बहुत जल्द आयोग के द्वारा कुछ ना कुछ कदम उठाया जाएगा। क्योंकि आप भी देखते हैं अतुल सर इतना एक्टिव रहते हैं कि जो अभ्यर्थी का डिमांड होता है, जो अभ्यर्थी का मांग होता है, उस मांग को वह तुरंत स्वतः संज्ञान लेते हैं। स्वतः संज्ञान का अर्थ हुआ कि जब भी दो चार दस पांच विद्यार्थी जाते हैं तो उस पर वो बातचीत करते हैं और उनसे जो समस्या होता है उसकी जानकारी इकट्ठा करके उस पर सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो बीपीएससी से अन्य आयोग को भी सीख लेना चाहिए, जैसे बीएसएससी आयोग हो गया या दरोगा आयोग हो गया, इन सारे आयोग में भी प्रश्न पत्र देना चाहिए, सब कुछ सुधार करना चाहिए। यदि आप किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जॉब अपडेट आदि वगैरह के सपोर्ट बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।